ये आर्मेचर, फिर बता रहा हूँ आर्मेचर, आगे है ये बेंडेक्स, ठीक है, ये बेंडेक्स क्या करेगी, फ्लाई व्हील को घुमाएगी, ठीक है। आर्मेचर क्या करेगा, मैग्नेट जनरेट करेगा, ठीक। ये है फॉर्क, फॉर्क हमेशा इसमें उल्टा लगेगा, पहली चीज तो ये वाला जो कट है वो नीचे आएगा, ये ऐसे नहीं लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ताकि ये अगर बॉल के अंदर फंसे तो ये निकले नहीं, ठीक है। ये आ गया ऐसे, ठीक। ऐसे आने के बाद ये दिख रहा है अप एंड डाउन, ठीक है। ये वॉल से होगा, फॉर्क से, वॉल जब ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे, ठीक है। वॉल ऊपर आएगा तो ये ऊपर, ऊपर, समझ गए, ये आएगा। दूसरा पकड़ो इसे, ये है तुम्हारी फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ। इस सपोर्टर के अंदर अगर तुम देखोगे कट लगा हुआ है, दिख रहा है, ये कट इस कट के अंदर आना चाहिए ऐसे। तो ये अगर तुमने यहाँ लगाया है तो ये कट जो आएगा वो इस कट के ऊपर आना चाहिए, ठीक। हाथ हटा यहाँ से, थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से नीचे आएगा ये आ गया, ठीक है। उसके बाद पकड़ो इसे, ये है कार्बन प्लेट। कार्बन प्लेट जो आएगी तुम्हारी वो आर्मेचर का ये जो सेंटर वाला एरिया है, ये वाला, इसके ऊपर आएगी, ठीक है। इसके ऊपर आएगी, आएगी कैसे, इसमें दो पॉइंट है, एक तरफ ये नीचे कॉपर दे रखा है, दूसरी तरफ ये जो नट टाइट करने के, स्क्रू टाइट करने के लिए दे रखा है, ठीक है। ये इसमें आया, इसमें आने के बाद तुम ये कार्बन आराम से हाथों से पीछे कर सकते, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना आराम से, क्योंकि ज़्यादा अगर जोर लगाया तो ये टूट जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें देखोगे तो ये पॉइंट जो जाएगा वो जाएगा पॉजिटिव में, और ये वाला जो पॉइंट है ये आएगा नेगेटिव। अब आर्मेचर में नेगेटिव दोनों जो है वो अलग से दिए जाते हैं, आर्मेचर, बाकी सब चीज़ों में जैसे ये है सोलेनोइड स्विच है, सोलेनोइड स्विच भी मैग्नेट बनाएगा, लेकिन सोलेनोइड स्विच मैग्नेट कैसे बनाएगा, इसको एक तरफ से पॉजिटिव दिया जाएगा, नेगेटिव ये बॉडी से लेगा, ठीक है। लेकिन आर्मेचर को घूमने के लिए इसमें नेगेटिव बॉडी से दिया जाएगा, बट कार्बन प्लेट के जरिए, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इसको दे नहीं सकते क्योंकि ये घूमता है, ठीक है। और मैग्नेट बनेगी इसके कॉयल के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं, तो इसको दोनों मेरे को करंट देने पड़ेंगे, इसीलिए आर्मेचर के अंदर ये जो कट दिख रहे ना तुम्हें, ये लगाए जाते हैं। नहीं तो अगर पॉजिटिव देना होता तो ये कंप्लीट सर्कल में एक में होता, इसमें कट नहीं होते। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तभी ये मैग्नेट बनाएगा, और ज़्यादा पावर बनाने के बाद ये घूमेगा। अब ये घूमता कैसे है, एक मैग्नेट फील्ड कॉइल में परमानेंटली है, ठीक है, और एक मैग्नेट ये इलेक्ट्रिकल से बनाएगा, बिजली से, ठीक है। तो जब दो मैग्नेट आपस में बनती है तो मैग्नेट का सिंपल सा हिसाब है कि मैग्नेट अगर सेम साइड की है वो चिपक जाएगी, अगर एक भी उसके अपोजिट की है तो वो उसके साथ चिपकेगी नहीं, उसको धक्का देगा, ठीक है। इसीलिए ये मोटर क्या होती है, जब इसको मैग्नेट दोनों तरफ से बनती है तो ये घूम जाता है, क्योंकि इसको जब निकलने की जगह नहीं है तो वो पुश करेगा तो वो घूमना शुरू होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया कार्बन प्लेट तक, ठीक। देखो रिपेयर हर चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं है जो रिपेयर नहीं होता, ठीक है। फूक जाए, जल जाए तो उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर खराब है तो वो उसका रिपेयरेबल है, वो आराम से रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर करना भी, रिपेयर इसीलिए ही किया जाता है कि करोगे भी तभी जब उसके बारे में तुम्हें पता होगा, जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो रिपेयर कैसे कर लोगे।
और ये जितने भी इसके पेच है ये वाले, ये पूरे टाइट करना। फुल टाइट करने का रीजन ये है क्योंकि इसको चाहिए ग्राउंड, वो मिलेगा बॉडी से। तो जब अगर बोल्ट पूरे टाइट नहीं होंगे तो ग्राउंड नहीं मिलेगा, समझ गए। ये दो पेच छोटे दो बड़े क्या है? दो पेच बड़े इस पूरे को पैक करने के लिए, और दो छेद सिर्फ छह पेच जो है वो सिर्फ कार्बन प्लेट, ठीक है, पकड़ने के लिए ताकि वो आर्मेचर के साथ ना घूम जाए। ये बताया था सोलेनोइड वाल्व, ये अप डाउन अंदर बाहर चल रहा है, ठीक है। ये लगेगा ऐसे, दिख रहा है ये हिस्सा इसके बीच में से ऐसे अटक गया, ये अटक गया, ठीक है। ये ऐसे ही इसको टाइट होगा, टाइट होने के बाद जब इसमें मैग्नेट बनेगी तो ये अप डाउन अप डाउन, ठीक है। अब मैं बता दूं क्या, बैटरी उठा के दो तार। अब अगर इसमें देखोगे तो मैंने बताया था मैग्नेट बनती है, देखो शॉर्ट हो गई है, जब ये करोगे ना तुम तो ये बॉल जो है वो अप डाउन होगा। गलत तो नहीं लगा है? नहीं गलत नहीं है। तो सर ये खराब है, ये खराब भी हो सकती है लेकिन हो भी सकता है। सर ये रिपेयर हो रहा था? नहीं कर दो, हेलो देख रहा है ये धुआं आ रहा है, इतना ज्यादा स्पार्क कर रहा है, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, मतलब खराब है ये खराब है। नहीं तो अभी ये अप डाउन हो रहा होता अंदर बाहर, ठीक। इसको हटाओ, इसको करते हैं, पकड़ो इसे, कस के पकड़ियो, क्योंकि अगर ये भी शॉर्ट हुई तो नीचे फटेगा, तो फटेगा कुछ नहीं, ये घूमेगी नहीं, ठीक है। मुंह पे मारेंगे तेरे, चलो इसको दबा कर, दोनों तरफ प्लास से दबा कर, शॉर्ट है ये भी। तीन बंदे को लगेगा करंट, सर इसमें मैग्नेट ही नहीं है, घूमी थोड़ी सी ए इधर इसको देखना नीचे आकर देने पर वो फेल भी हो जाएगा। हां थोड़ा घूम घूम घूम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके एक मैग्नेट है, ये भी शॉर्ट है, ठीक है। तो जब इसको तुम लगाओगे, एक्चुअली बात ये है, ये जो मोटर है ना सर, एक बार इसको चाहिए हाई पावर, कार्बन प्लेट में बॉडी में ग्राउंड कहाँ से आ रहा, तो बॉडी से ही रहे ना, ऐसे ही घूमेगा। तो हुआ क्या, इसकी जगह हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब एक तार इसमें लग जाएगी, एक तार चलेगी तुम्हारी स्विच में, चाबी वाला जो स्विच आता है, और ये आएगी तुम्हारी बैटरी के बाद, ठीक है। वॉल के पीछे क्या होता है, ये जो इसके अंदर वॉल है, ये वॉल इस तरीके का है, जैसे टी है ना ऐसा वॉल। तो ये हो गया तुम्हारा बैटरी वाला पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा आर्मेचर वाला पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट दिख रहे, तो जैसे ही ये मैग्नेट बनेगी ये वॉल कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो अंदर जाने पर इसके बीच में एक प्लेट लगी होगी जो इसको बाईपास कर दे, करंट यहाँ से डायरेक्ट इसमें, ये वो इसके साथ चिपक जाएगी, तो ये करंट डायरेक्ट इसमें और इसमें से इसमें मोटर में, ठीक है। और दूसरे तरफ जैसे ही ये ऊपर होगा मोटर में करंट आया, मोटर घूमना शुरू, जैसे ही ये ऊपर होगा फॉर्क ऊपर आ जाएगा, बेंडेक्स नीचे चली जाएगी, तो मोटर के साथ घूमे और फ्लाईव्हील घूम जाएगा, ठीक है। ये तरीका है आज का काम करने का। अगर ये ठीक हो गया फिर भी इसको जब सर करेगा स्पार्क देगा, ये वाली वायर इसके अंदर स्पार्क नहीं देगा। कौन सी वाली वायर? ये वायर यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ रहेगी, हाँ, और एक वायर बैटरी में रहेगी डायरेक्ट, दूसरी में स्विच में, और एक रहेगी तुम्हारी स्विच में। नेगेटिव बॉडी से मिल रहा है, स्विच से तुमने पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव पॉजिटिव मिला, इसमें मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट बनते ही ये बॉल पीछे आ जाएगा, ये फ्लाईव्हील जाएगा ना, फ्लाईव्हील की तरफ गरारी जाएगी, बेंडेक्स जाएगी, गरारी पे जाएगी, और फिर ये इसका ये अल्टरनेटर है, वो इसकी बात है, उसका इसका अलग से, वो अलग सिस्टम है, ये अलग है। तो ये जैसे ही इसमें ऐसे आ जाएगा बैटरी का डायरेक्ट करंट इसमें आ जाएगा, इसमें आते ही मोटर घूमी, मोटर घूमते ही जो वॉल जो नीचे आएगा ऊपर आएगा
वॉल के ऊपर आते ही फॉर्क ऊपर आएगा, तो एक चीज को अगर तुम ऐसे रखो, इसको ऐसे करोगे तो ऐसे जाएगी, छोड़ोगे तो ऐसे आएगी। अगर इसके बीच में अगर मैं तुमने ये टी देखी, तुम यहाँ रख रहा हूँ, तो मैं इसको ऊपर करूँगा तो टी नीचे जाएगी, इसको नीचे करूँगा तो ये टी ऊपर आ जाएगी, ये ऐसे वर्क करो, ठीक है। वही चीज़ है, जैसे ही वो मैग्नेट बनती है पावर मिलेगी, पावर मिलने के बाद नीचे बेंडेक्स नीचे आ जाएगी, फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट, मोटर घूमी, उसने बेंडेक्स को घुमाया और बेंडेक्स ने फ्लाई व्हील किया, ठीक है। ये प्रोसेस है इसका, क्लियर है सबको? समय से खोलना है।